नमस्कार, मैं हूं ज्योति बघेल। बीवीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं फरीदाबाद की। गांव रिवाजपुर में कूड़ा घर बनाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण तरह तरह के प्रदर्शन कर कूड़ा घर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आज गांव के लोगों को पता चला कि प्रशासनिक अधिकारी कूड़ा घर के लिए प्रस्तावित जमीन पर पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों के मुताबिक इसके बाद अधिकारी पहुंचे और वहां से वापस लौट आए। दिखाई दे रहा है यह नजारा फरीदाबाद के गांव रिवाजपुर का है, जहां कूड़ा घर बनाए जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ग्रामीण अलग अलग तरीकों से लगातार कूड़ा घर के विरोध में आगे बढ़ रहे हैं। उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं। अगर वो आते हैं तो क्या होगा? क्या होगा, बातें होंगी उनसे, रोका जाएगा नहीं। तो क्या अभी तक आ पाए हैं अधिकारी या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। यहाँ सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ से ये कूड़ा घर ना बना के कॉलेज, स्कूल या ये टाउन पार्क वगैरह बनाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बीपीएल कॉलोनियाँ हैं, गरीब बच्चे हैं जो अपनी दो वक्त की रोटी नहीं कमा पाते हैं, वो बीमारी को कैसे इलाज कराएंगे? इससे तो जो डंपिंग कराने, इससे तो बीमारी ही फैलेंगी। महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया, अभी इतनी बड़ी रैली भी निकाली बहुत बड़ी, उसके बाद भी अभी तो नेताओं के कान पर रोज जून तक नहीं रेंग रही है। इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था, पानी पूरे ग्रेटर बदल का लाना था, वो भी नाला ओपन पड़ा हुआ है और गाँव की हालत खराब है, क्योंकि पहले गाँव बसता बाद में शहर बसता है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कूड़े घर से? इससे तो आप अच्छी तरह पूरे देश जानता है, किसे कैंसर सबसे ज्यादा फैले पड़े हैं इधर की साइड में। पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा तो जनता कहाँ जाएगी? कलानी जो बसी है पहले बसी है, आज यहाँ पर जो कत्ता डालने की जगह बनाई जा रही है, आज जाके बंदवाड़ी के इलाके में देख लो ना कितना जहरीला पानी हो चुका है, तो यहाँ की हालत क्या होगी? एक तरफ बोलते हैं जमुना साफ करेंगे, जमुना साफ करने की वजह